ट्राइमैक्स पेन कहाँ गायब हो गए, कभी सोचा है? और क्या आपको पता है ये पेन नकली ट्राइमैक्स नहीं है, वो पेन जो बचपन में हम सबका ड्रीम था, जिसको सिर्फ क्लास के अमीर बच्चे यूज करते थे। और पहले ये पेन आता था 30 रुपए का और अब जाके 50-55 का हो गया था। लेकिन ये पेन अब बंद हो चुका है। असल में रेनॉल्ड्स एक US बेस्ड कंपनी है और उसने चेन्नई की कंपनी GM के साथ में पार्टनर किया था। लेकिन ये पार्टनरशिप सिर्फ नाम की थी, मतलब नाम रेनॉल्ड्स का होता लेकिन सारी मेहनत और सारा रिसर्च GM वाले करते थे। और रेनॉल्ड्स ने ये शर्त रखी थी कि GM पेन्स इंडिया के बाहर ये पेन नहीं बेचेंगे, क्योंकि उन्हें अपने पेन्स बेचने थे। लेकिन बाकी ब्रांड्स जैसे सेलो, लग्जर और लिंक, ये इंडिया के बाहर अपने पेन्स बेचते थे और इस वजह से GM को काफी नुकसान होता था। और इसी वजह से 2016 में ये पार्टनरशिप टूट गई और GM ने अपना नाम बदल के रोरिटो कर दिया और साथ ही पेन के नाम भी बदल दिए। जैसे लिक्विड फ्लो बना फैंटा फ्लो, रेसर जेल बन गया रेस मैक्स जेल और अपना फेवरेट ट्राइमैक्स बन गया मैक्सट्रॉन। तो बेसिकली ये सेम पेन ही है, बस पुनर्जन्म लेके वापस आ गए। आपका कौन सा फेवरेट पेन है कमेंट्स में बताना और सोचो अलग को सब्सक्राइब भी करना।